आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.5। इसमें है मल्टीप्लाई बाय टेंस। पहले टेंस से मल्टीप्लाई करना है, फिर मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड्स, उसके बाद है मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड्स। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, उसको सॉल्व करके बता रहे हैं। फर्स्ट है मल्टीप्लाई बाय टेंस। 8 × 10, तो 8 × 10 अगर हम इस तरह से लिखें टेन, कौन सा बड़ा नंबर है? 10, तो 10 ऊपर लिख दिए और उसको मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो जो छोटा नंबर है वो हमेशा नीचे लिखते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 को पहले वंस प्लेस पे जो भी नंबर है उससे, तो 8 × 0 = 0, 8 × 1 = 8, तो आंसर हो जाएगा हमारा 80। ठीक है, डायरेक्ट नहीं लिखना है, जब भी सॉल्व करना है तो कॉपी में इस टाइप से सॉल्व करके तभी लिखेंगे। सेकेंड है 37 × 20। 37 पहले लिख देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है 20 से, 2-डिजिट नंबर है। ठीक है, अब 0 जो पहला नंबर है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों नंबर से, तो 0 को पहले मल्टीप्लाई किए 7 से, तो 0 × 7 = 0, 0 × 3 = 0। जो फर्स्ट नंबर है इसको हम मल्टीप्लाई कर दिए, अब सेकंड लाइन में क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस करेंगे। अब जो सेकंड नंबर है यहाँ पे, सेकंड डिजिट है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 37 को, तो 2 को पहले मल्टीप्लाई किए 7 से, तो 2 × 7 = हो गया 14, 14 का लिखे 4 और 1 हो गया कैरी। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 2 × 3 = 6 प्लस 1 = 7। अब जो आया इसको हम ऐड कर देते हैं, तो वंस प्लेस से ही स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे सिर्फ 0 है, कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ हो गया 0, यहाँ है 0 + 4 हो गया 4, यहाँ पे है 7। थर्ड है, तो आंसर आया हमारा 740। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है 3 × 90, तो 90 को यहाँ लिख दिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे जो वंस प्लेस पे डिजिट है उससे, तो 3 × 0 = हो गया 0, 3 × 9 = हो गया 27, तो 27 का 7 यहाँ लिखेंगे और 2 यहाँ पे लिखेंगे, तो आंसर आया 270। अब इसी तरह से मल्टीप्लाई बाय 100 से देख लेते हैं। इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 7 को 100 से, तो 100 हम यहाँ लिख देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया। अब 7 को सबसे पहले मल्टीप्लाई किए 0 से, तो 7 × 0 = 0, फिर जो टेंथ प्लेस पे नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर यहाँ हो गया 7 × 0 = 0, यहाँ हो गया 7 × 1 = 7, तो आंसर कितना आया 700। इसी तरह से 83 × 400, तो 400 बड़ा नंबर है, तो 400 को हम लिखेंगे ऊपर, 83 नीचे लिख देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन हो गया यहाँ 83। वंस के नीचे वंस लिखेंगे, टेंस के नीचे टेंस, इसका ध्यान रखना है। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 400 से, जो आएगा यहाँ लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में हम दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, 3 × 0 = 0, 3 × 0 = 0, 3 × 4 = 12। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में हो गया क्रॉस। अब 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 400 से, तो ये हो गया 8 × 0 = 0, 8 × 0 = 0, 8 × 4 = 32। यहाँ जब हम दूसरी लाइन में नंबर लिखते हैं तो इसका ध्यान रखना है कि नंबर के नीचे नंबर होना चाहिए, ताकि ऐड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ ऐड करना है तो 0 है, सिर्फ 0 लिख दिया, यहाँ 0 + 0 = 0 ही रहेगा, 2 + 0 = 2, 1 + 2 = 3, यहाँ पे हो गया 3, तो आंसर आया हमारा 20 × 900, तो 900 बड़ा है, 900 को लिख देंगे ऊपर, 20। अब पहले 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 900 में, तो 0 × 0 = 0 हो गया, 0 × 0 =
ज़ीरो, ज़ीरो नाइन जा ज़ीरो, फिर क्रॉस टू को मल्टीप्लाई करेंगे 900 में, तो टू इंटू ज़ीरो कितना हुआ, ज़ीरो, टू इंटू ज़ीरो ज़ीरो, टू नाइन जा एटीन। अब इसको ऐड कर लेंगे, ज़ीरो 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 एट वन, आंसर यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब है मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड्स, फोर इंटू थाउजेंड, तो थाउजेंड हम लिख देंगे ऊपर और फोर नीचे, क्योंकि फोर छोटा है, छोटे नंबर को हमेशा नीचे लिखा जाता है। अब इसी तरह से फोर को मल्टीप्लाई करेंगे वन बाय वन करके, तो फोर इंटू ज़ीरो ज़ीरो, फोर इंटू ज़ीरो ज़ीरो, फोर इंटू ज़ीरो ज़ीरो, और यहाँ फोर बन जा फोर, आंसर जो आया वो यहाँ लिख देंगे 4000। अब नेक्स्ट है 83 इंटू थाउजेंड, थाउजेंड लिखे, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 83 से, पहले थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे थाउजेंड में, कितना हो जाएगा 3000 हुआ, एट को करेंगे थाउजेंड में, तो एट ज़ीरो जा ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, और एट वन जा एट। अब इसको लिख देंगे ज़ीरो 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 थ्री एट, ठीक है। लिखने का तरीका ऐसे ही रहना चाहिए, नंबर्स के नीचे नंबर्स होने चाहिए ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे ऐड करते टाइम, ठीक है, समझ में आ गया होगा, इसी तरह से करना है।